अपनी आंखें देख रहा है या दुनिया चलती जा रही, और तेरे मन में ना सोच फिक्र मने युवा चंबा भारी। क्या बात है, पल में प्रलय हो जाएगी जब हुक्म चले सरकारी। तेरा चाबे काल से बीना सारी खोजे गांव सारी, गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दुआई हो जाएगी, जर जोरू जमीन पलक में सभी पराई हो जाएगी। भोजन हल्का ही भोजन खाए करते श्याम ने सबके, मतलब खिचड़ी दलिया जो कुछ भी था नहीं वो भोजन मतलब वो करे करते ग्रहण। सारा नाम, मेरा नाम है आरपी खंडा, आज अपने बीच में है ताऊ जी। और सबसे पहले महाशिवरात्रि की पूरे हरियाणा वर्ष ने और पूरे भारत वर्ष ने हार्दिक शुभकामनाएं भाई। भाई अपने बीच में है ताऊ, गांव है खंडा, ताऊ का के नाम है, ताऊ तो बाई फेस आके मिले हैं भाई। नु कह रहे बड़े बुढ़ा ने ज्ञान है, और जो नई पीढ़ी है उसकी ज्ञान बहुत कम है, सोशल मीडिया में बिछड़े रहे हैं, इतना ज्ञान है कोनी। ताऊ जो एक तो ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान तो सबके लोग है, एक ब्रह्म ज्ञान जो पुराने बुढ़िया की जो बात है वह हमने नए बड़का ने सीखने मिलेंगी। और इस वीडियो के माध्यम से एक और वीडियो आई थी ताई जी की, 1970 में ताई ने दसवीं करी थी, उस वीडियो पर बहुत प्यार दिया। और एक बार पछला जो बैकग्राउंड है वो दिखा दे भाई, मारेणु को आती थी भाई, देखो इस तीर्थ में तो प्राचीन है, ताऊ जी बैठे हैं अपने साथ में, बतावेंगे के क्या बात है इनका जो गांव का इतिहास है। और जो मारेणुका का मंदिर आपने दिखने लग रहा भाई, मारेणुका इस तीर्थ में पानी लेना आया कर दी, भगवान परशुराम का मंदिर भी है साथ में, मारेणुका का आशीर्वाद, भगवान परशुराम का आशीर्वाद है भाई। ताऊ की वीडियो देखियो भाई, खासकर युवा पीढ़ी से बोलूंगा मैं बात, क्योंकि देखनी बहुत जरूरी है। ताऊ पे कितना ज्ञान है, कितना बड़े बुढ़ा ने ज्ञान है वो हमने मिलेगा। ताऊ जी राम राम। राम राम जी, राम राम। ताऊ जी आपका नाम बताओ पहले तो। नाम मेरा जी जोगी राम है, गांव खंडा। अच्छा जी, हाँ जी। ताऊ जी ये बताओ सबसे पहले तो, जो पहला जमाना था और जो ईब का जमाना है, नई पीढ़ी तो और बुढ़े में कितना फर्क आ रहा है? फर्क तो काफी बहुत ज्यादा आ रहा है जी, कुछ भी कौन रह रहा, बड़े बुढ़े वाली तो परंपरा एक भी नहीं रही। मतलब बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत ज्यादा बदलाव आया गया। जैसे बदलाव किस चीज में आया है ताऊ जी वो बता। बदलाव जी खान पान में भी आ गया, बैठ उठ में भी आ गया, आपस में जो प्रेम भाव थे वो नहीं रहे एक दूसरे के प्रति। ईब तो बस ईसा हो रहा काम भाई, लुटो कसोटो रोर। पंडित जी पहले कह गए अग भाई आज कल भाई के सर ने खुद भाई तारे से, तो वो समय आज मतलब आ चुका है। ताऊ जी ये बताओ, जैसे जो पहले का भाईचारा था बड़े बुढ़िया का और ईब के जो भाईचारा है उनमें कितना बदलाव है? उनमें तो जी सारा बदलाव आ गया, समझे नहीं रहे, कतले आम लग रहे हैं करने, गर्दन उतार रहे हैं, दूसरे का धनो कर रहे हैं। पंडित जी ने कह रखा एक बात में, पर तिरिया पर धन छेड़न का बेईमान करया करो टाला, मरती बरिया ना मिले भलाई और दरगाह में मुंह काला। मेरी सास ने जन रखा मेरे सर पे धनी रुखाला, जे चाहो सो खैर जान की करके बोल संभाला, लक्ष्मी चंद के थारे नाम की मैं तार के मिसल धरूंगी, बेईमान थारी छाती के मैं टक्कर मार मरूंगी, चोर जार लुच्चे डाकू का के एतवार करूंगी। तो भाई या तो चोर जार ठग मतलब ऐसे प्रवृत्ति के इंसान हो गए, कोई किसी का धर्म समझ रहे नहीं, सदा रहने का मतलब न्यून सोच रहे हैं भाई तने तुरंत सथाई रहना है, लेकिन सथाई नहीं है यहाँ पर कोई भी, साथ में कुछ नहीं जानता, साथ में तो ये जाऊगा अच्छाई बुराई, एक रास्ता तो जावे अच्छाई का एक जावे बुराई का, वो रास्ता अपने अपनाना है। मतलब आपका कहने का मतलब पूरा बदलाव है, पूरा बदलाव है अच्छाई और बुराई में बहुत कहन कहन के जैसा कोई त्याग नहीं। और रामचंद्र जी का जिस टाइम बनोबास हो गया उसको मतलब रात तिलक होना था, हो गया बनोबास, वो भाई था जो दूसरा था उसने अपनी खड़ाऊए रखे ने, और भाई का मतलब इतना हो कर, अरे एक भाई इसके साथ गया तो तुम चर के बिक जा भाई, जो कोई न्यू कह दे तो बिल्कुल छोटे काम नहीं होने लगे, कटकी रह तो बदला। वो भी हमारे भारत वर्ष में थे फिर, लेकिन आज का खाना खान पान मतलब खान पीन में पूरा परिवर्तन है, परिवर्तन है भाई, वायु में परिवर्तन हो गया। गिनाइए थोड़ा परिवर्तन तो ये है, एक टाइम मतलब भोजन हल्का ही भोजन खाए करते श्याम ने सबके, मतलब खिचड़ी दलिया जो कुछ भी था नहीं वो भोजन मतलब वो करे करते ग्रहण करे कर, जैसे अब तो मांस मदिरा का आएगा कुछ ज्यादातर कर रहे हैं, कर रहे हैं, और तड़े भुने पे ज्यादा जोर है, तड़े भुने पे अच्छा। वो तो सात्विक कर फल जंगलाई में खाए करने मतलब पील पिंजू, और इतनी प्रकृति पे इतनी मतलब वस्तुएं पैदा हुई करती उनकी जीविका उसे के चल रही थी,
पहला तेन क्या बड़े बुढ़े जैसे खेत करना ताए कर दे टिंडी की बाजरे की रोटी हरा साग गुड़ की डली खा लेंदे आज वरना लासी है क्यों सारा जहर का खाना हो गया मसाल्या का हो गया बाकी एक एक किले में न्यूनी बिरा ठट कट्टे गए रहे रोड जैविक खाना नहीं रहा। अच्छा हाँ उस टाइम पे तो देसी खाद डाल कर दे कुरड़ी का और भाई उससे जितनी पैदावार हो करती वह स्वस्थ हो करती मतलब जो ना इतनी बीमारी थी और ना मतलब वो स्वादिष्ट भी था भोजन इस भोजन में टेस्ट को नहीं। अच्छा मतलब जी ताऊ जी जो कह रहे थे बड़े बुड्ढे के कलयुग आऊगा वो कलयुग आ लिया या धीरे धीरे और भी रूप दिखा होगा। देखो कलयुग तो लंबा टाइम है इसका 43,000 लाख कितना मतलब इतनी आयु बताई कलयुग की। अच्छा फिर इसमें जो है जी इसमें कुछ परिवर्तन आंदा रहूगा कुछ थोड़ा समय फिर बनकर अच्छा है जी समलन का भी देव है भाई समझ दो ला भाई ताऊ जी ने बताया है जी पहले जो भाईचारा था वो बिल्कुल बदलाव है। ताऊ जी एक और बताओ जैसे हमारी दादी होया कर दी जो भी दादी ताई पहला नुका 52 गज के दामन पारे कर दी सुतरी लागे कर दी ईब जो ईब दामन दुमन पैरा हुए में बहुत फर्क है उस पर क्या कहना चाहूँ। पर फिर वो पंडित जी ने निवे कह रही है भाई खान पान पहन बदल जाना कुल की रीत रहेगी तो कोई दामन वाली दिखती को नहीं था दामन वाली दिखती नहीं आर भाई सुंटाले भी लुप्त हो रहे पजामिया का गया तो बस और नहीं तो धोती बांधन का जो औरत मतलब शादी शुदा हो जाती है तो साड़ी बंद हो और नहीं अपने तो देसी प्रयोगा भाई दामना का था भी करती अच्छी उरल लकी टूम पारे करती बड़ी सुथरी लाग गए करती पानी भरन जाती जोड़ पे पूरे तालाब पे पानी बर्तन में आए करते सारा दूर दूर तेन का पानी लिया कर दी। हाँ दूर दूर तक दूर दराज तक पानी कुए पैसे भी लेंदी सुविधा थी ये सुविधा तो चावे है पूरी और लेकिन काम करने दिए नहीं करता उस टाइम तो काम करे करते मेहनत करे करते ये ऊंची छलांग लगाने खातिर तो दौड़ना पड़ेगा दौड़ना पड़ेगा ये 10-10 हजार के 50-50 हजार के फोन रखे हैं इनमें फिर वो भी करना पड़े रिचार्ज भी कराना पड़े रिचार्ज भी होवे है रिपेयर भी होवे है तो यह इच्छा बढ़ती रहे है उतने दुखी होते रहे हैं परेशानी ज्यादा है और भाई अगना टेंशन रहे सारा दिन टेंशन के करेगी भाई इच्छा घटा अपनी इच्छा को अपनी को न्यूसोच महात्मा गांधी सिर्फ आदि तो धोती आदि तो उस पर लपेट रहा है और पाया में फटकोड़ी काट की और एक काट का उसका था कड़छी एक था मतलब उसका वो सब्जी सब्जी डालने का बिल्कुल सीमित हो था भाई ठाई पंडोकड़ी कुएं अपना चलता बन उसने इतना मतलब देश के लिए जो कार्य करया है नहीं इतना दिव्य बन के सबसे मतलब वो करके त्याग करके हर चीज का दिव्य हो गया बिल्कुल और आज कितनी मान जो पहले तीज त्योहार थे और जो ईब के तीज त्योहार है उनमें कितना बदलाव है। उनमें तो बदलाव पूरा का पूरा हो गया भाई। अच्छा सौ का सौ हो गया पहले तो लगते फोगन तो मतलब खेले करती गिद्धे गले करती लगाई गाना बजाना करे करती रात ने 10-10 बजे लग गिद्धे उनमें उत्साह इतना था आग मतलब गिद्धे गए करती उसने कट्ठी 20-30 लगाई कट्ठी हो गए नाचना गाना करे करती 10-11 भी बजा दे करती और सवेरा फिर उठ कर उन्हें अपना काम हो था उनमें उत्साह इतना था ये उत्साह सही नहीं नहीं तो पूरे गांव में मतलब लगाई वो करे कर दी पानी डाले कर दी कुरडे मारे कर दी माहौल कौन रहा वो माहौल नहीं रहा तो पी हुए है शराब और जाकर ने बढ़ते है मतलब नंगा नाच वाला काम हो गया घना बदलाव आ गया और नौजवान इस बात को नहीं समझ रहा भाई ये आपसी भाईचारा किस किस तरह बने है और किस पर इसका विभाजन तो मिनट में कर ले लेकिन जोड़ना एक दूसरे को जोड़ना बहुत कठिन है तोड़ना तो मिनट का काम है। दाऊ जी जैसे जो पहले की पढ़ाई है और ईब की पढ़ाई में कितना अंतर है। पहले की पढ़ाई तो इतनी थी जी मैं कम से कम मतलब 8वीं मेरी कंपार्टमेंट है 8वीं में शुरू में बोर्ड का इम्तिहान होया था। कौन से साल में करी था वो आपने। मेरे ख्याल में 1976 में कर ली थी 76 में 8वीं। हाँ 76 में शुरू में बोर्ड का इम्तिहान लागू होया था। अच्छा उस टाइम पे 3 बच्चे तो पास हुए थे 2 फेल हुए थे बाकी सब कंपार्टमेंट। अच्छा
ना जानकारी थी भाई फार्म भर के ने कंपार्टमेंट टूट भी सके है कोर हो जे हम तो फिर बाड़ू के गए नुका इतने पढ़ाई भी कोने करे थे जो मेरे दादे और थे जो उनके पढ़ाई ना इतना उनकी भी कोई खास पढ़ाई नहीं थी उस टाइम पे मतलब 8 पढ़े इन्हें कोई नौकरी भी मिल जाए छोटी मोटी बहुत काफी होती फिर लेकिन पिता जी ने तो ऐसा काम कराया कि नहीं भाई यार देश की सेवा है तो हम अपने खेती करो हम तो तीनों भाई खेती में लगा दिए उसने बिजली का कनेक्शन मिल गया हमने देवीलाल बनाया था उस साल मेरे ख्याल में 78 में हुआ रहा है 78 में कनेक्शन मिल गया था हमने तो अपनी ओड़े जीविका चलाई दो दो तीन तीन किले हम अपना ओड़े हो गया मतलब सारे दो दो तीन तीन किले उन्हें गुजारा उन्हें मैं गुजारा या उन्हें से हमारा खर्च निकला घर का कठोर परिश्रम करे हम अपनी मतलब ना तो दूसरे की लेनी थी ना देनी थी उसे में रोजगार हो गया था हमारा तन ठीक पहले तो अट्टे कट्टे नो जवान भी होया करते फौजा मनु के सीधे ले ले कर देता हूं बाकी फिर खर्च भी अपना देख के करे करते सीमित अवस्था में भाई जितनी तेरी आमदनी है उससे भी दोनों ने बचा कर कर आज वह बचत का काम में नहीं एक और चढ़ देंगे कोई वो नहीं तब जुकर जो पहला अट्टे कट्टे हो करते हमने सुनी नो के सीधा फौज में ले ले करते सीधा फौज में के कोई मेरा पिताजी तीन जगह भर्ती हो गया तीनों जगह सेलेक्ट हो गया अच्छा आर्मी में ताऊ आर्मी में अच्छा ना ताऊ जी ने बोला है खान पीन तले जो बूढ़े बूढ़िया का भाईचारा था उस ते हर चीज में बदलाव है कलयुग है भाई गौर कलयुग जैसे हमारी हम जैसे नौजवान है भाई हमने इन चीजों का पता नहीं ताऊ जी के लोग बैठे इस वीडियो के माध्यम से हम तो एक संकेत देना चाहूँ भाई युवा पीढ़ी ने मैंने भी खुद सीखने मिला है कि ज्ञान ले भाई बड़े बूढ़ा का एक सॉन्ग है बना रखा है जब बड़े बड़े रे मर जाएंगे तो मेरा निके के हो जाएगा तो भाई मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा एक एक बात और आते है जैसे जो पाखंड है मतलब अंधेरे में रखा है दुनिया ने आधी दुनिया ने वो चीज दिखती को नहीं जो सियाने चपटे हो गए और भी है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे बदलाव बदलाव तो काफी आ गया भाई पहले तो झाड़े थे मतलब ठीक हो जिंदे कोई मतलब इसका वो नहीं था एक आधा वैद हो करता देसी वैद वो भी गिना चुना गिना चुना गिना चुना और ईब तो वह बात मांगे राम जी ने कह रही भाई कोस कोस पे मिले दुआई न खांसी खेर रह को सन 68 के बाद देख लिए बाल की छेर रह को क्या बात है तो ये पहले विवरण करके मतलब कवि महाराज मतलब ऐसे थे हमारे विद्वान पंडित थे और अपने धर्म पे थे तो वो विवरण सारा करके कलयुग का भी कलयुग तो न्योका न्यू बीतेगा सहम बचारी दुनिया रोती अड़बंध के सारे बंद है तेमंद बंद है दोरा धोती क्या बात है जो ऋषि महात्मा रख्या करते गिल्ला में संध्या की पोथी क्या बात आज बिक्री दुद्ध बनने की कैसे चाल पछाणी जागी रे रंगदार जमाने की तो ये रंगदार जमाना है भाई इसकी चाल पछाड़ना असंभव है कुछ भी हो सकता हूँ कुछ भी हो सके है कुछ भी हो सके है जितना बदलाव हो रहा है नहीं इसमें कुछ भी हो सके ज्यादा चेहरे के पीछे चेहरा था चेहरे के पीछे चेहरा है और भाई हम तो यह है वहाँ भाई जो बच्चे हैं हमारे भाई सतमार्ग पे चल लो सतमार्ग पे चल लो सात्विक बन जो हमारे प्राचीन बुजुर्ग थे उनके आधार पे चलते रहो तुम्हारा रास्ता सही क्लियर है जीवन सरल है जीवन सरल है सार्थक है और नहीं तो जीवन भाई निरर्थक है आगे बिगे इसमें मृत मंडल में निवे फिरे जाइयो 84 योनि भोग के मनुष्य की योनि जब मिलती है और इसको भी वृथा गुआ कर चलिया गया नहीं भेदभाव में द्वेष में ईर्षा में तो उसका कोई जीवन सार्थक नहीं तो वो बात सच है लेके कुछ भी नहीं जाना भाई अपनी आंखें देख रहा है या दुनिया चली जा रही और तेरे मन में ना सोच फिक्र मन युवा चंबा भारी क्या बात है पल में प्रलय हो जाएगी जब हुक्म चले सरकारी तेरा चब है काल से बीणा सारी खो देगा सारी गर्दन तोड़ बीमारी में कमजोर दुआई हो जाएगी जर जोरू जमीन पलक में सभी पराई हो जाएगी क्या बात है तो ये तो भाई एक अक्षण भर के इसकी आमदनी का एक पैर दराग लगी ब्यास को नहीं तो इस जीवन में वृथा गवा के यहाँ से चला जाना उचित नहीं है ताऊ जी पहला जैसे उम्र होया करती 100 की बिल्कुल चीज है करता बुढ़े थे इब तो उनका 50-60 किए हैं हाँ 50-60 की अवधि रहेगी 12 साल की लड़की का बच्चा विजय है ये कलयुग में लिखे हुआ है सारा 12 साल की तो 12 की क्या 14 की का बच्चा विजय है गौर कलयुग है और लिखा है ये पहले वेद व्यास जी ने वर्णन कर दिया था इसका दादा लक्ष्मी भी कह गया हाँ दादा लक्ष्मी भी कह गया है भाई मतलब आगे तो ये सारा सिस्टम बेकार हो गया क्रोध मूर्खता से लेकर नए पश्चाताप पर जाके खत्म हो गए
मूर्खता से लेके पश्चाताप पे जाके खत्म हो गए। पाछे तो पछतावे रह जाए, पाछे पछतावा रह जाए। घर का नाश तो हो ले है, घर का नाश तो बिल्कुल हो ले है भाई। अर्जुन भी कहते हैं भाई झगड़ा जाए मत, तो किसे भगवान दुश्मन के न बिजिए। तो झगड़ा में अनरीति में रात चला जा, झगड़े में जन्म आया। रोए मन घटे बंदे का, दुख चिंता में काया। क्या बात है, अनरीति में रात चला जा, झगड़े में जन्म आया। तो भाई इसको झगड़े में ना बर्बाद करो, इसको अपने जीवन को सार्थक बनाओ। उसे में भलाई है, जियो और जीने दो। हाँ, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। आमने तो जो दीवार पे भी छपिया मिल गया, नहीं कोई सही क्वेश्चन है वो है अपने हृदय में समो लिया, और तो भी ग्रहण करे, और तो भी ग्रहण करया है। और हम इतने ना ज्यादा विद्वान भाई, ना इतने ज्ञानी हैं, हम तो एक जो हमारे पे जानकारी उसकी बच्चा देने प्रदान लग रहे हैं करण। ताऊ ने जो ज्ञान दिया है ना भाई, गूगल पे बिक जाओ, गूगल पे पावे को नहीं। रियलिटी बात है, आप कह दें गूगल पे पै जाएगा, गिनी चुनी एक दो वीडियो पाएगी तो पाएगी, लेकिन इस ऐसा ज्ञान नहीं पाओगा। जब आप बड़े बुढ़े लोग बैठ गए नहीं, तो कुछ ना कुछ लेके मरांगे, कुछ ना कुछ पाएगा मरांगे। तो 5-10 साल पाछा जब हम सुनांगे और इब भी हम ग्रहण कर ले नहीं, दो बात भी ऐड लेगे, तो सोच लो 40-50% तो जीवन सफल है। हुए लुप्त होगी कहानी, खत्म होगी, बड़े बुढ़े जैली 50 की उम्र रहेगी। देवल पे कहे है मन को 1 इंच पे लागे काटन, तो वो होकर हुए थानन देख कर राजी। अच्छा तो इब तो ऐसा काम हो गया भाई, फिर इनका भी दोष कौन नहीं, ये कलयुग करा रहा है जो कलयुग। ताऊ एक और है, इसमें अपनी बुद्धि पे मतलब थोड़ा हा प्रयास करे नहीं। अच्छा, अगर भाई 2 मिनट खातर भाई के तो ले आया था, के तो लेके जान लग रहा है, उस पे थोड़ा हा प्रचार भी कर ले, तो उससे भी भाई बोझड़े पाछो फिर के सोसान है जी। कहवा हाँ भाई, क्रोध काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अहंकार, ये धरती पे पैरें टिकन दिन दिन इंसान का। और एक ताऊ जी, जैसे अपने मंदिर में मारेन को हमने सुनी है युवा पीढ़ी ने कि पानी बनाया कर दी, तो उसका के इतिहास है यहाँ? बस उसमें इतिहास उसका एक घड़ा हा था भाई, पत्थर हा था जो हमने देखा है। अच्छा, आज यार छोटा ही मंदिर था, तो उसमें मतलब धोख मारे कर दे, उसे धोख उसकी घड़े की लाग गए कर दी। उनका पानी लेने भी आया कर दी? हाँ, पानी लेने आया कर दी। नहीं तो बुजुर्ग हमने जो सुनी है, कौन से काम बताऊ, कौन सा? जामनी थे, जामनी थे, जामनी थे, मतलब वहां जमदग्नि ऋषि तपस्या बने था। ये सारा खांडव वन है, ये खांडव वन, खांडव वन, खांडव वन। हाँ, एक देव वन हो गया। हाँ, ये 5 वन थे, इसका मतलब इतिहास मतलब बने के इतिहास में है। हाँ, बन के से आपदर फिर या कोई तीर्थायु, तीर्थ तीर्थ तो अनेक है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन 68 तीर्थ बताओ, इसमें तीर्थ तो सारे है, या तो पवित्र धरती है। सारी 48 कोस का एरिया है ना, ये तो पवित्र धरती है। हाँ, ये तो युद्ध स्थल लाले कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हुए हुआ था। तो इसमें पुण्य करेगा तो भी उसका इतना पुण्य का तो 13 गुना फल है, और पाप करेगा तो भाई उसका भी मतलब। अच्छा, जामनी तो पानी लेना आए कर दी, जामनी का पानी लेना आए कर दी, और वो गढ़ा मतलब कोई चोर चारा टाइम हो गया, राक्षसी भी है, राम वाले टाइम में भी थे और कृष्ण वाले में भी थे, ये तो हरियुग में है। गढ़े ने चुराण आए, चोर गढ़े ने चुराण आए, और वो उड़े अंधे गए, अंधे अंधे गए, और गढ़ा हो गया पत्थर का। अच्छा, आज भी बोला जावे है भाई की हमारे गांव में जैसे मंदिर में वो गड़ानू कानू पत्थर का है, उसको हमने भी दिखाया है, बड़े बुड्ढे कहा है भाई हमारे दादा परदादा की यो नू कानू है रखे हुआ है, तो उस पे ताऊ जी जैसे पत्थर का हो गया था। पत्थर का हो गया था, रो अंधे हो गए थे, अंधे अंधे थोड़े आंख लांधे चढ़ अंधे हो गए। अच्छा, उसके बाद में फिर पकड़े पकड़े गए ताऊ, बस फिर वो पकड़े गए। ये तो फिर इसने जिंदगी राजे ने लगवाए है, इसमें घाट घूट लगवाए है। अच्छा, और भाई ये ब्रज बर्ज भी बन रहे थे, मतलब उसने जितने तीर्थ थे नहीं सारे और जिंदगी के श्याम तक बने रहे थे। नहीं तो ये कच्चा देखा हमने, तो यो तालाब कच्चा देखा ना, इसका पानी सपड़िया देखा, और सब घर में प्रयोग करे कर दे, नहाए भी कर दे, कपड़े धोए कर दे, तो लगाई मतलब बाहर पानी ले जाकर धोए कर दे। कुल मिला के ताऊ जो अपना हरियाणा है, एक पावन धरा बोल सका भाई, इसमें पावन धरा है, और पावन धरा में भी हम तो, और पावन धरा में ब्राह्मणा का काम, अगर हमारे कर्म सही करते रहो तो भाई ईश्वर का तो कोई को नहीं। ये तो हरियाणा तो देश ऐसा है, कहीं भी आप कौन सी स्टेट में चले जाओ इतना मतलब वो अपनी बोली ने भी बैर बहुत पसंद करा था, बोली ने पसंद करे है, अपने जवान ने भी मतलब हट्टा कट्टा पाओ हरियाणा का, देशा में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना, फिर तो भाई जहर का खाना हो गया भाई, कोई जैविक जैविक नहीं रहा, नहीं मारे तो जवान ईद भी सेना में मतलब हर 10वां जवान, हाँ, 10वां जवान मतलब हरियाणा का है।
गौरव के साथ मतलब देश की सेवा कर रहे हैं, गौरव के साथ सेवा कर रहे हैं। हाँ। और भाई किसान भी अपने उन्हें शुद्ध अन्न प्रदान कर रहा है। हाँ, हाँ, सोचा भाई अच्छा अन्न जाओ, हमारे बच्चे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, तो किसान भी मेहनत इसके साथ ही कर रहा है। ताऊ ने ज्ञान दिया, अब ब्रह्म ज्ञान बोल दिया, इसमें कोई अतिशोक्ति को नहीं, इतना ज्ञान मिल गया भाई, अगर दो दो बात भी लेवांगे नहीं तो जीवन सफल है, खासकर युवा पीढ़ी थे। तो भाई ताऊ ने नहीं जो बात बोली है ना, वह सोने भर की बात है और उनका कोई मोल को नहीं मेरे भाई, बहुत अनमोल बात है वह। तो वही बात है, ताऊ जी पर ज्ञान लिया भाई, हमने एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के माध्यम से युवा पीढ़ी ने खासकर यह हम वीडियो देना चाहेंगे, इसके जो वीडियो के द्वारा ताऊ ने बोल है ज्ञान दिया उसने ग्रहण करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके भाई ना दड़ाका ठह दो। पहला जो प्यार दिया था ताई वाली वीडियो पे, उसे नू की नू वीडियो पे प्यार दे दो और ताऊ का भी मान रख दो। राम राम भाई।